धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में स्वास्थ्य विभाग का खसरा व रूबेला टीकाकरण अभियान 25 अप्रैल से शुरू है। 5 सप्ताह तक चलने वाले इस अभियान में 9 महीने से 15 साल तक के 2,30,000 बच्चों का टीकाकरण होगा। अभियान को अमलीजामा पहनाने के लिए विभाग ने 186 टीमें बनाई हैं। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में स्वास्थ्य विभाग ने खसरा और रूबेला महामारी पर काबू करने के लिए कमर कसते हुए आगामी 25 अप्रैल से 5 सप्ताह तक जिला के 2,30,000 से अधिक बच्चों को खसरा व रूबेला बीमारियों से बचाव के टीके लगाए जाएंगे। टीकाकरण अभियान को अमली जामा पहनाने के लिए विभाग ने 186 टीमें बनाई हैं। ये टीम निर्धारित रूट के हिसाब टीकाकरण का कार्य करेंगी। ये जानकारी सिविल सर्जन एसके नैन ने एलएनजेपी अस्पताल में स्थित अपने कार्यालय में मीडिया से बात करते हुए दी। उन्होंने बताया कि इस अभियान में 9 महीने से 15 साल तक के बच्चों को टीके लगाए जाएंगे। कुल संख्या में से 2,09,892 बच्चे ऐसे हैं जो स्कूल जाते हैं, उनको स्कूलों में ही टीके लगाने का कार्यक्रम निर्धारित कर लिया गया है। सिविल सर्जन नैन ने बताया कि इस टीकाकरण अभियान को सुचारू रूप से संपन्न करने के लिए सभी अधिकारी एक टीम के रूप में कार्य कर इस बात को लेकर सभी को निर्देश दिए जा चुके हैं। अभिभावकों को चाहिए कि वे अपनी नैतिक और सामाजिक जिम्मेवारी समझते हुए न केवल अपने बच्चों को बल्कि अन्यों को भी इस बीमारियों से रोकथाम के लिए टीका लगवाने के लिए प्रेरित करें। एसके नैन ने यह भी जानकारी दी कि टीकाकरण अभियान के पहले 2 सप्ताह के अंदर सभी स्कूलों को कवर किया जाएगा। इस दिनांक 25 अप्रैल से हमारे कुरुक्षेत्र में MR वैक्सीनेशन का कैंपेन शुरू हो रहा है और ये वैक्सीनेशन ऑल इंडिया में शुरू हो रहा है, मीजल्स और रूबेला। इसमें जो एज ग्रुप है वो 9 महीने से लेकर के 15 साल तक का, उन सभी बच्चों को दाहिने हाथ पे टीकाकरण करवाना है। और एक ही बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रोग्राम है, क्योंकि मीजल्स का तो पहले भी टीकाकरण हो रहा था, लेकिन रूबेला सिंड्रोम जिसमें आने वाली पीढ़ियां हमारी अफेक्टेड हो सकती थी, उसको रोकने के लिए WHO के साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मिलकर इस अभियान की शुरुआत की है और युद्ध स्तर पर इस अभियान को पूरे हिंदुस्तान में शुरू किया जाएगा। तो सभी नागरिकों को आपके चैनल के माध्यम से और आपके मीडिया के माध्यम से मैं अपील करना चाहूँगा कि इसमें हर एक आदमी अपना योगदान दें और इस प्रोग्राम को 100% सफल बनाए, जिस तरह बार बार आपने पोलियो अभियान को सफल बनाया है। तो मैं आपसे आग्रह करूँगा, मैं सभी PRIs और सभी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स तो सहयोग करेंगे ही, साथ में जनता के जो चुने हुए व्यक्ति हैं और जो जन सेवा के कामों में लगा हुआ NGO है और आप मीडिया के माध्यम से आप सभी उन लोगों को मोटिवेट करें। और सबसे बड़ी विशेषता इस प्रोग्राम में ये रहेगी, घर घर जाकर के टीकाकरण नहीं होगा। वैक्सीनेशन की जो टेम्परेचर है जो 2 से 8 डिग्री के बीच में रहना चाहिए, यानी कंज्यूमर तक मैन्युफैक्चरर से कंज्यूमर तक जो टीकाकरण होता है उसका वैक्सीनेशन 2 से 8 डिग्री टेम्परेचर में होना चाहिए। तो साइट्स बनाई गई हैं, पहले 2 हफ्ते स्कूलों में और टीकाकरण होगा, जहाँ पे जो 5 साल से लेकर के बड़े जो 10वीं क्लास के छात्र हैं उनको कवर किया जाएगा। उसके बाद जो है 2 हफ्ते कम्युनिटी के अंदर जाकर के, जिस तरह आंगनवाड़ी है और सिविल हॉस्पिटल में तो हमेशा चालू रहेगा कि वहाँ पे इसका टीकाकरण किया जाएगा, और लास्ट के 1 हफ्ते में जो लेफ्ट आउट बच्चे हैं उनका टीकाकरण किया जाएगा, जिस तरह हार्ड टू रीच एरिया है या ब्रिक इलंस हैं, बट्टे हैं, और जहाँ पे लोगों को संदेश नहीं पहुँच पाया है वहाँ तक प्रशासन पूछने की सेवा करेगा। और इसमें उपायुक्त महोदय ने स्वयं मीटिंग लेकर के 2 बार मीटिंग ली है और हर ब्लॉक लेवल पे SG महोदय ने मीटिंग ली है, ताकि इसको सभी लोगों तक पहुँच सके और सबकी भागीदारी सुनिश्चित हो सके। तो इसमें 100% सफलता हम प्राप्त करेंगे, ऐसी मैं आशा करता हूँ। लक्षण क्या होती है खसरा के अंदर? जिस तरह से शरीर पे दाने हो जाना और पूरे शरीर में सेप्सिस इन्फेक्शन हो जाना और उसके बाद डेथ हो जाना, ये एक कारण है। और जहाँ रूबेला सिंड्रोम की बात करते हैं, उसमें जो लड़के होते हैं वो कैरियर होते हैं, लड़कियां होती हैं, अगर उनको रूबेला हो जाता है
तो उनके बच्चे अधूरे अविकसित होते हैं, संपूर्ण अभी भी नहीं पैदा हो सकता उसको।